Hi guys, welcome back to my channel. My name is Anvesha Mukherjee. You're watching Simple Tips Anvesha. Agar aap mere channel pe naya ho, go ahead, click that red subscribe button and that bell ting 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 right next to it so that you stay notified whenever I post new videos. Aap mujhe Instagram and Facebook pe bhi follow kar sakte ho. Is video ko start hone se pehle ek zara bada sa like chipka dijiye. To aaj ki video topic bahut hi requested hai and kafi time se pending hai. Wo hai, दीदी मैंने सब ट्राई कर लिया पर मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है या फिर थोड़ा सा वेट लॉस हुआ फिर वेट स्टक हो गया अब मैं क्या करूं हाय राम अब मैं क्या करूं बहुत बहुत बड़ी कंसर्न है बहुत लोगों की मेजॉरिटी लोगों की कि वेट लॉस हो नहीं रहा है या वेट लॉस हो रहा है तो स्टक हो गया है क्या रीज़न है तो मैं कुछ चार पांच रीज़न आपको बताऊंगी जो आप कर रहे हो गलत वेट लॉस मिस्टेक्स कह सकते हैं एक तरह से कि आपके वेट स्टक हो गया है या वेट लॉस आगे नहीं बढ़ रही है तो रीज़न क्या रीज़न नंबर वन जो मुझे पर्सनली लगी है क्योंकि ये मैं अपने कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स पढ़ के या आपके मैसेजेस पढ़ के डीएम्स पढ़ के मेल्स पढ़ के जो पढ़ समझ पा रही हूँ वो है यू आर कीपिंग अनरियलिस्टिक गोल्स फॉर योरसेल्फ अनरियलिस्टिक गोल्स मोस्ट ऑफ यू विल मेल मी या डीएम मी आस्किंग कि मुझे मेरे पास 2 महीने हैं और 10 kg मुझे घटानी है मेरे पास 3 महीने हैं और 15 kg मुझे घटानी है ऐसे नहीं होता ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि 10 kg 2 महीने में ओ माई गॉड दैट्स लाइक ह्यूज थिंग हाँ कुछ लोग कर सकते हैं कुछ कुछ लोगों ने किया हुआ भी है बहुत फटाफट दैट इज़ नॉट हेल्दी दैट इज़ थ्रू सम क्विक फिक्स डाइट वो लोग कर लेते हैं बट वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कभी नहीं होता वो वेट आपको कभी भी वापस आ सकती है अगर आपने कहीं क्विक फिक्स डाइट सोल्यूशन से वो घटाया है तो आपको पता है स्टैंडर्ड क्या होता है स्टैंडर्ड वेट लॉस होती है 1 हफ्ते में 0.5 to 1 kg दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ लूजिंग वेट ओके सो कीप रियलिस्टिक गोल्स मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था वेट लॉस जर्नी मैंने कभी ये नहीं टारगेट रखा था अनरियलिस्टिक कि 1 महीने में 5 kg से 10 kg मुझे घटाना है ऐसे नहीं रखना चाहिए अगर हो गया अमेजिंग यू आर डूइंग ग्रेट बट अगर नहीं हुआ 5 kg और 10 kg 1 महीने में फिर आप पगला जाते हो बवड़ा जाते हो ये समझो कि यू आर कीपिंग अनरियलिस्टिक गोल्स फॉर योर सेल्फ सो स्टॉप डूइंग दैट और मैं ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही कमेंट्स आते हैं क्या करो क्विक फिक्स सोल्यूशन बताओ क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है ये समझ लो ऐसा नहीं है कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन वेट लॉस की नहीं होती है ये सबसे पहली गलती आप जो कर रहे हो सेकेंड गलती एवरीबॉडीज बॉडी टाइप शेप जीन्स इज डिफरेंट सबकी बॉडी टाइप अलग है सबकी आइडियल वेट अलग है सबकी जीन्स अलग है सबकी प्रॉब्लम्स अलग है कंडीशंस अलग है प्रॉब्लमेटिक एरिया अलग है सबको अलग अलग टाइम लगेगी वेट लॉस करने में अपनी आइडियल हेल्दी वेट अचीव करने में जैसे मेरी हाइट 5'3" है अभी करंट वेट इज 49.5 kg दैट इज़ माई बॉडी टाइप आई हैव अ लीन बॉडी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी और मेरी हाइट सेम है 5'3" पर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी शेप अलग है आप एप्पल शेप्ड हो सकते हो पियर शेप्ड हो सकते हो आई हैव अ लीनर बॉडी स्ट्रक्चर अ लॉट ऑफ यू विल नॉट हैव द लीन बॉडी स्ट्रक्चर मेरी वेट में आपको नहीं आना है आपको अपनी आइडियल हेल्दी वेट पे आना है बहुत लोगों के लिए 53 एट माई हाइट और 54 एट माई हाइट इज परफेक्ट दैट इज़ इट फुल स्टॉप आपको हेल्दी होना है आपको ये समझना है कि आपको अपने आप को मेरे साथ या किसी दूसरे यूट्यूबर के साथ किसी दूसरे फिटनेस ब्लॉगर के साथ कभी कंपेयर नहीं करनी चाहिए कंपेरिजन किल्स योर मोटिवेशन किल्स योर फिटनेस गोल योर बॉडी इज डिफरेंट योर बॉडी टाइप इज डिफरेंट योर आइडियल हेल्दी वेट इज गोइंग टू बी डिफरेंट इसको समझिए प्लीज़ इसको समझिए कि अलग अलग बॉडी टाइप्स के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हेल्दी वेट आइडियल वेट होती है ठीक है आपको फिट और हेल्दी होना है ये इंपॉर्टेंट है थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेइंग स्केल पे जब मैं चढ़ती हूँ तो वेट घटती नहीं है वो सेम की सेम होती है बट कपड़े मेरे लूज आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि इंचेस मैं लूज कर रही हूँ बट ऑन द वेइंग मशीन ऑन द वेइंग स्केल आई वेई द सेम सो व्हाट डू आई डू आई एम नॉट लूजिंग वेट ऑफकोर्स देयर इज अ डिफरेंस इन फैट लॉस एंड वेट लॉस अगर आप इंचेस लूज कर रहे हो आप मेजरिंग टेप से आप मेजर कर सकते हो आपके कपड़े आपके ढीले हो गए फिट आ रहे हैं परफेक्ट आपको लग रही है फिट लग रहे हो लीन लग रहे हो मस्कुलर लग रहे हो सिंपल लॉजिक यू आर टर्निंग योर फैट इनटू मसल्स दैट इज़ द बेस्ट वे योर आइडियल शुड बी टू लूज फैट नॉट जस्ट वेट इन नंबर्स ठीक है आप ये डिफरेंस समझिए सो ये नॉर्मल है इट्स ग्रेट इफ़ यू आर लूजिंग इंचेस दैट इज़ हाउ आइडियली इट शुड बी योर फैट इज कन्वर्टिंग इनटू मसल्स Not only on the weighing scale जो number होती है that is not just the ideal way of losing weight inch loss fat loss and the great way of
getting fitter. Now the fourth point, stress. दो दिन, दो हफ्ते, दो महीने तक भी आप stress ले लोगे तो कैसे होगा? दो महीने के बाद लोग छोड़ देते हैं फिटनेस, अपना वेट लॉस जर्नी, मोटिवेशन खो देते हैं, कहते हैं कि स्ट्रेस हो रही है, इतना कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा. दो दिन, दो हफ्ते, दो महीने, बस दो साल, दो 20 सालों से जो ये गंदी हमने लाइफस्टाइल जी है उसको कुछ रिवर्ट करके अगर दो साल तक नहीं देते लोग, दो महीने में लोग अपना होप्स छोड़ देते, दो हफ्ते में लोग होप्स छोड़ देते. मुझे तो ऐसे ही मेरा आता है, 10 दिन से मैं एसी भी ले रही हूँ, 10 दिन से मैं नींबू पानी पी रही हूँ, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा. अरे ये कैसी स्ट्रेस है? या फिर 6 महीने में मेरी शादी है, मुझे फटाफट बेली फैट लॉस करने का कुछ ना कुछ बता दो, कुछ ना कुछ. मैं कितना बताऊँ, मैं कहाँ से ले आऊँ? आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हो कि आपकी शादी है कल, या कल एंगेजमेंट है, या फिर कल बच्चे आपको प्लान करनी है, तो आपके पास बस 2 महीने 3 महीने. आपकी बॉडी मानेगी क्या? आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी फिटनेस, हेल्थ, आपकी बॉडी कहाँ है. माइंड में ठीक है आपने ले लिया स्ट्रेस कि ओके मतलब ये करना है, ये करना है, करना है, और क्यों नहीं हो रहा, करना है क्यों नहीं, कब करना है, ये आप गिर माइंड में करो. बॉडी को तो देखो यार, बॉडी क्या कह रही है. बॉडी को शायद नहीं रेडी होगा 2-3 महीने में वेट लॉस, इतनी रैपिडली वेट लॉस और फिट होने में नहीं होता बॉडी. यार मैंने अपने फिटनेस जर्नी लास्ट ईयर अगस्त में स्टार्ट कर दिया, धीरे 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 करके आज मैं ऐसे आई हूँ. आई एम गेनिंग मसल्स, आई एम गेनिंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन माई बॉडी. सो मुझे टाइम लगा है. इट डजेंट हैपन इन अ जिफी, इट डजेंट हैपन, इट कैन नेवर हैपन. अब कहीं से भी ले लो, अगर कोई आइडियली जेन्युइनली वेट लॉस कर रहा है, सब ने टाइम दे के किया हुआ है. अगर किसी ने क्विक फिक्स किया है तो वो दैट पर्सन विल रिवर्ट बैक टू गेटिंग फैट, दैट इज़ नॉट हेल्दी. सो प्लीज डू नॉट टेक स्ट्रेस अबाउट फिटनेस, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी एल्स. गिव टाइम एंड अंडरस्टैंड योर बॉडी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, वेर योर बॉडी इज एट एंड हाउ मच इट कैन टेक. अच्छा फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकती है? ये हो सकती है कि आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी है, आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपको आइडिया ही नहीं है, आपको थायराइड है, पीसीओडी है, आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आपको आइडिया नहीं है, तो आप जाके प्लीज़ चेक करवाइए. वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, यू हैव टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड. बहुत लोग बहुत हेल्दी फूड पे बिंज ईट कर लेते हैं. सो स्टॉप बिंजिंग इवन ऑन हेल्दी फूड, ओके. अ लॉट ऑफ हेल्दी फूड हैज लॉट मोर कैलोरीज. लाइक इफ यू आर लेट्स से बिंजिंग ऑन एग्स एंड यू आर ईटिंग टू मच एग्स, ओके. जैसे मैं दिन में 2 एग प्रेफर करूँगी, नॉट मोर देन दैट विद द योक, बट इफ यू हैविंग एग बाइट्स देन यू कैन हैव 4. बट अगर आप दिन में, क्योंकि एग हेल्दी है तो 6 अंडे घटक लिए, एंड योर बॉडी इज नॉट यूज टू इट बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग दैट हार्ड एट द जिम और नॉट शेडिंग दैट मच कैलोरीज, नो दैट विल एनी वे नॉट लीड टू वेट लॉस. सो इवन इफ यू बिंज ईट ऑन टू मच हेल्दी फूड, कैलोरी इनटेक ज़्यादा होगी एंड आपकी कैलोरी आउटटेक ज़्यादा नहीं हो रही है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वेट लॉस प्लेट्यू. अब ये वेट लॉस प्लेट्यू क्या होती है? जब आपकी वेट स्टक हो जाती है, मतलब कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट सेम है. बॉडी में वेट लॉस तभी होगी, आप अपना वेट तभी कम करोगे जब कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट में डिसबैलेंस है. मतलब वॉट एवर कैलोरी यू आर टेकिंग इन योर बॉडी इज लेसर देन द कैलोरी यू आर गिविंग आउट, ठीक है. मतलब आप ज़्यादा बाहर रहे हो कैलोरीज बाहर और कम इनटेक करो, तभी आपकी वेट लॉस होती है. वेट लॉस प्लेटू, वेट लॉस स्टक तब होती है जब दोनों सेम है, और वेट गेन होती है या फिर ज़्यादा हो रही है जब आपका कैलोरी इनटेक ज़्यादा है. सो मेक श्योर योर कैलोरी आउटटेक इज ऑलवेज लेस. कैलोरी आउट मतलब वर्किंग आउट, जिमिंग, कैलोरी बर्न करना इज हार्डर एंड मोर देन ठूसना, ठीक है. सो दिस आर द मेन मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग. डू नॉट कंपेयर, कीप योर टारगेट रियल नॉट आइडियल, यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल. आई लव यू गाइस सो मच, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. गिव दिस वीडियो बिग लाइक एंड शेयर इट विथ हूसएवर यू फील इट विल बी हेल्पफुल. बाय, टेक केयर, लव यू.